दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ये दो अलग अलग कंपनी का है। ये है आपका ऑक्सी 99, यहाँ पे लिखा हुआ है बोची इटली। ये काफ़ी पॉपुलर है, ये अभी लेमिनेटेड है और यहाँ पे सील भी दिया हुआ है। और आपको पकड़ने से ऐसा लगेगा कि ये हल्का है, खाली है, लेकिन ये अभी भी पूरा सील पैकेट में है, कहीं से भी खोला नहीं गया है। नीचे की तरफ आपको डेट ऑफ एक्सपायरी सभी कुछ मिल जाएंगे और प्राइस भी यहाँ पे मेंशन रहेगा। और दूसरा जो है ये ऑक्सीगिस पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रेस लिखा हुआ है। ये भी आपको पकड़ने में ऐसा लगता है कि ये भी हल्का है, खाली है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी आपका फुल है, इसमें भी आपका सील लगा हुआ है। दोस्तों ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है जो है ऑक्सी 99, इसमें आपको 6 लीटर का ऑक्सीजन मिल जाएंगे और ये जो ऑक्सीगीज है इसमें आपको 10 लीटर्स का ऑक्सीजन मिल जाएंगे। तो फिर भी ये दोनों हल्का है। चलिए इसका वेट भी आपको देख लेते हैं, न्यू में इसका वेट कैसा रहता है। इसका कैप का साथ ये लेमिनेट किया हुआ है, कैप का साथ ही इसको मेजर करना है। यहाँ पे देखिए 128 ग्राम दिखा रहा है। तो ऑक्सी 99 अगर आप मंगवाते हैं तो उसका वेट आप जरूर चेक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 128 ग्राम यहाँ पे शो हो रहा है। और दूसरा जो है ऑक्सीगीज उसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका 154 ग्राम का दिखा रहा है। ये जो पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर है इसके नीचे में आपको फिलिंग डेट दिया हुआ है। फिलिंग डेट से 3 साल तक आप इसको घर में रख सकते हैं, मतलब 3 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको खोल के दिखाते हैं। इसी को एज ए मास्क यूज़ कर सकते हैं आप। अगर इसको यहाँ पे इस होल में इसको लगा देते हैं तो इसको एज ए मास्क की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको भी खोल के दिखाते हैं। मैंने इसको खोल दिया। इसका साथ एक मैनुअल भी दिया हुआ है। ऑक्सी 99 का ये आपका ऑक्सीमीटर। इसका कैप में आपको मास्क बनाने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको ये डायरेक्टली ऐसा करके लेना पड़ेगा। इसका फ्लेवर पकड़ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका एक हल्का हल्का फ्लेवर आ रहा है। तो दोस्तों आप अगर अपने घर में पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना चाहते हैं या तो आप कहीं पे कैरी करना चाहते हैं तो ये दोनों एक अच्छा विकल्प है। ये ऑक्सी 99 जो है ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है, ये जो ऑक्सीगीज है ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो ये दोनों में से आप कोई भी खरीद के रखिए घर में, या तो आप किसी भी हिल स्टेशन में जा रहे हैं तो भी आप इसको कैरी करके रख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।